अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नान की रेसिपी। ये नान बहुत ही आसानी से एकदम सॉफ्ट, एकदम मार्केट जैसा बनकर घर में रेडी हो जाता है। ये घर के तवे पर ही बना हुआ है, मैंने इसे तंदूर में नहीं बनाया। आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को बनाना शुरू करती हूँ। नान बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ईस्ट पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून घी। आप चाहे तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी ऐड करें और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लें। देखिए यहाँ डो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे कवर करके रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी, वो भी 1.5 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो डो जो है वो रेडी हो गया है, यानी फूल गया है। अब हम सारे डो का पेड़ा बना लेंगे। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, मैं यहाँ बड़े बड़े पेड़े ले रही हूँ। एक पेड़ा लेकर आपको डस्टिंग करनी है मैदे से, उसके बाद फ्लैटन कर लें। आप किसी भी साइज़ में फ्लैटन कर सकते हैं, मोटा पतला लंबा कोई भी शेप दे सकते हैं। नान जो होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। एक साइड में पानी लगा लेंगे। अच्छी तरह से आप पानी लगा लें चारों तरफ, कोई भी पार्ट सूखा ना हो। अब हम अपने नान को सेकेंगे। उसके लिए मैंने लोहे की तवे पर अपने नान को पानी वाले साइड रखा है ताकि वो अच्छे से लोहे में चिपक जाए। आपको मीडियम फ्लेम पर नान को सेक लेना है। देखिए यहाँ नान में एक अच्छा सा बबल हो गया है। तब हम अपने तवे को उल्टे करके हाई फ्लेम पर चारों तरफ से घुमाकर सेक लेंगे ताकि उसमें एक प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छे से नान जो है वो सिक जाए। देखिए यहाँ मैंने नान को चारों तरफ से घुमा कर सेक लिया। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा सेक कर रेडी हुआ है हमारा नान, वो भी लोहे की तवे पर। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है घर में, एकदम बाज़ार जैसा। आप पीछे की साइड को भी देख सकते हैं, ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम अपने सारे नान पर घी लगा लेंगे या बटर लगा सकते हैं आप। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है, एकदम आसानी से, एकदम मार्केट जैसा। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। आप इसे चिकन के साथ खाएं, मटन के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना एकदम सॉफ्ट दिख रहा है ना, एकदम बाज़ार जैसा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।